हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आप तो जानते ही हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं DLED सेकेंड सेमेस्टर के इंटर्नशिप विषय के बारे में बात कर रहे थे, जिससे कि आप जानते हैं कि अब 8 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं अभ्यास कार्य तक। अब आगे के 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। अलग अलग वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है। आप ज़्यादा बार देखते हो, दूसरी दूसरी वीडियो खोलनी पड़ती है, इसलिए मैंने दोनों वीडियो को एक साथ ही कर मिला दिया है। आपका 9 टॉपिक है मूल्यांकन प्रपत्र, तथा दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण योजना। तो अब पहले 9 टॉपिक कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 9, मूल्यांकन प्रपत्र निर्माण एवं परीक्षण। साप्ताहिक परीक्षा जो होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने में वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो जान लेते हैं मूल्यांकन प्रपत्र। विद्यालय में छात्र शिक्षा प्राप्त करने आता है, वह अपने विद्यालय जीवन में विशेष प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। यह अनुभव द्वारा ही उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। इस प्रकार छात्र का संपूर्ण विकास व्यवहार परिवर्तन के नाम से पुकारा जाता है। आप वीडियो देख रहे हैं तो यह अच्छी बात है। तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको इस वीडियो के जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है उसकी इंटर्नशिप फाइल के 10 टॉपिक्स आपको चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, उस पर लिखा होगा डाउनलोड फाइल। तो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको 10 टॉपिक्स का ब्यौरा मिल जाएगा। आपको वहां से आपको यही ब्यौरा मिल जाएगा, आप उससे कॉपी कर सकते हैं आपके अपनी फाइल के लिए। मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात करने की चेष्टा की जाती है कि विद्यालय में शिक्षण द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है। इस व्यवहार परिवर्तन में बालक के संज्ञात्मक, संकलनात्मक और भावनात्मक तीनों पक्ष आते हैं। तो क्या बच्चों को जिस तरीके से हम मूल्यांकन करना चाहते हैं, उस तरीके से मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, उसी को बारे में हमें सबसे पहले जानना चाहिए और उसी के पश्चात हमें उसको क्रियाकलाप के द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। इसमें छात्र के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक गुणों की परीक्षा सम्मिलित रहती है। मूल्यांकन में ज्ञान अर्जन की वस्तुनिष्ठता तथा व्यवहारिक पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में विषयगत निष्ठा पर ही अधिक बल दिया जाता है। अधिगम स्तर का पता लगाने के लिए सतत व व्यापक मूल्यांकन व परीक्षा आवश्यक है। जो भी चीज़ें हमें पढ़ाया है उसके बारे में हमें जानकारी लेने के लिए उसकी परीक्षा कराई जाती है, तो हमें मूल्यांकन का आंकलन होता है। प्रपत्र तैयार करना, हम कैसे प्रश्नों को तैयार करें बच्चों के लिए। प्रपत्र बनाते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बालकों के स्तर तथा आयु के अनुभव ही प्रश्न पत्र बनाए जाए। बालकों के स्तर व आयु का अनुमान लगाने का सर्वोत्तम साधन बालक की कक्षा है। जिस कक्षा का प्रश्न पत्र बना है उसको आधार मानकर विद्यार्थी के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्नों के प्रकार आकार किस प्रकार से होते हैं। प्रश्न प्रकार एवं अनुरूप अंकवार निबंधात्मक, निबंधात्मक होगा तो वो ज़्यादा बड़ा होगा, लघुआत्मक होगा तो कम होगा, अति लघु तो आपको पता ही है, वस्तुनिष्ठ विकल्प वाले होते हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को नंबर दिए जाते हैं। तो अपना लास्ट टॉपिक आ जाता है उपचारात्मक शिक्षण योजना का क्रियान्वयन। तो उपचारात्मक शिक्षण योजना क्या होती है, जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं और बाद में उसका उपचार किया जाता है कि बच्चों को क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है। तो उपचारात्मक शिक्षण को जान लेते हैं पहले। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विशेष समस्या के निर्माण के निवारण के हेतु प्रकरण विशेष में कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है। निदान के बाद ही उपचार किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों, समस्याओं का निदान करके उपचार कार्य किया जाता है। भाई कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर है, डॉक्टर भी पहले इलाज तो करेगा नहीं, पहले उसकी बीमारी का पता करेगा। इसलिए हमें बच्चों की भी जो परेशानी है उसको पता करना है, बाद में ही उसका समस्याओं का समाधान करना है। तो जान लेते हैं आगे के बारे में। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में नवीन नहीं है।
उपचारात्मक, क्योंकि पहले भी जो भी हुआ है अब तो इतनी सुविधा है, पहले इतनी सुविधा नहीं है थी, जिससे कि हम जान पाते हैं कि बच्चों को क्या क्या समस्या है। तो जान लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य में व्यक्ति छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करने और उसके भविष्य में उन दोषों को मुक्त रखना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों का अंत करना, छात्रों की दोषपूर्ण आदतों, कुशलताओं एवं मनोवृत्तियों को समाप्त करके उनको उत्तम रूप प्रदान करना, छात्रों की अवांछनीय रुचि आदर्शों तथा दृष्टिकोणों को वांछनीय रुचियों आदर्शों एवं दृष्टिकोणों में परिवर्तन करना। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो भी है सेकंड सेमेस्टर के इंटरनेशनल फाइल वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारी वीडियो देखनी है और आपको जो भी है फाइल बना लेनी है। यदि आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड फाइल करके, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप आगे का प्रोसेस अपना जो भी है उसे कर लेना। और दूसरा ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर चाहिए या आपको मॉडल पेपर चाहिए, अब जो एग्जाम पेपर होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना है, और वीडियो पसंद आने पर आपको तो बताइए क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि उन्हें भी वीडियो को देखकर जो भी प्रॉफिट होने वाला है, जो भी जानकारी मिलने वाली है वो मिलती रहे। ऐसा नहीं करना है कि आपने जो फ़ायदा प्राप्त किया है दूसरों को, जितना लोगों को सुख बांटोगे वो आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। ठीक है।